दोस्तों, आज से हम चार्ट पैटर्न की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम हर एक चार्ट पैटर्न को सही से डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से। आज का ये वीडियो चार्ट पैटर्न के इंट्रोडक्शन का वीडियो रहने वाला है कि चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं, चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न को हम किस किस टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न के बनने के पीछे की लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है। तो आज का ये पूरा वीडियो चार्ट पैटर्न के बेसिक के ऊपर रहेगा और चार्ट पैटर्न का इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। इसके बाद हर एक वीडियो में हम हर एक चार्ट पैटर्न को कवर करते जाएंगे। जो जो चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, जो जो चार्ट पैटर्न हर रोज हमें मार्केट में देखने को मिलती है और जो जो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से मार्केट में काम करती है, उन सारी चार्ट पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनती है, उन्हें कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पर एसएल लगाना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, क्या टारगेट लेना है, कब चार्ट पैटर्न के चलने के चांसेस है, कब चार्ट पैटर्न फेल हो सकती है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। पर आज इस वीडियो में चार्ट पैटर्न से रिलेटेड सारी बेसिक चीजों को कवर करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जब चार्ट पैटर्न के एपिसोड में हम सारी चार्ट पैटर्न को समझेंगे, तब ये सारी बातें हर बार हमें रिपीट ना करनी पड़े। इसीलिए आज के वीडियो में सब कुछ बेसिक कवर कर लेंगे। आपको अगर चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप पहली बार चार्ट पैटर्न का नाम भी सुन रहे हो, तो ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपको चार्ट पैटर्न के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सारी ही चार्ट पैटर्न आपको फिर चार्ट पे दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर इन सारी चार्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस करके, सारी चार्ट पैटर्न को समझ के, सीख के आप मार्केट में अप्लाई करोगे, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर से होगा, क्योंकि ये सारी चार्ट पैटर्न रोज बरोज हर टाइम फ्रेम में मार्केट में बनती ही रहती है और चार्ट पैटर्न्स काम करती भी है। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट पैटर्न काम करती ही नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये चार्ट पैटर्न 100% काम करती है। इसकी कुछ एक्यूरेंसी होती है, जैसे कि 60%, 70%, 100% तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 0% काम करती है, इसका कोई काम ही नहीं है। 60-70% तक ये चार्ट पैटर्न्स काम करती है। वो सारी चीज़ें जब हम चार्ट पैटर्न समझेंगे तब आपको पता चलेगा, और उसके अलावा जब आप खुद से बैक टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। आपने मार्केट में चार्ट पैटर्न के कुछ ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, जैसे कि ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इस तरीके से आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे। इन नाम को कैसे याद रखना है, कैसे पैटर्न को पहचानना है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। बिल्कुल ईजी तरीके से हम समझेंगे कि आपको मतलब कि चार्ट पैटर्न देखते ही याद आ जाएगा कि इस चार्ट पैटर्न का नाम क्या है और इस चार्ट पैटर्न का काम क्या है। काम से मेरा मतलब है, देखो, मेनली तीन टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। इन तीनों टाइप को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि इस तीन टाइप में एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और एक होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी चार्ट पैटर्न है और इसका क्या काम है, आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि चार्ट पैटर्न होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कैंडलस्टिक दिख रही है, आपको ग्रीन कैंडलस्टिक, आपको रेड कैंडलस्टिक दिख रही है। तो आपको, मुझे, हम सबको पता है कि इसी को हम चार्ट बोलते हैं। हम अपने डीमेट अकाउंट पर, आप फोन में देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेट आता है और इसे हम कहते हैं चार्ट। तो ये हो गया चार्ट। अब इस पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को अप्लाई करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न निकल के आ जाएगी। देखिए, एक सबसे जरूरी बात, चार्ट पैटर्न सीखने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन नहीं आता है तो आप चार्ट पैटर्न भी नहीं सीख सकते हो। तो पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको आना चाहिए, और ये सारी ही चार्ट पैटर्न सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से ही बनती है। इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। यहाँ पर चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद कोई ना कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि चार्ट पैटर्न बनती कैसे है और चार्ट पैटर्न बनने के पीछे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। देखो, यहाँ से कुछ इस तरीके से हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको देखो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, रेजिस्टेंस आना ही चाहिए, बगैर उसके आप चार्ट पैटर्न नहीं सीख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। यहाँ पर रेक्टेंगल से देखो, हम एक सपोर्ट जोन कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम बना देंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन गई है, भले ही देखो आपको इसका नाम आता हो ना आता हो। अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन गई है। देखो, अभी हमने क्या बात की थी कि इस चीज को हम चार्ट कहते हैं, ये जो कैंडलस्टिक्स हमें दिख रही है अपनी स्क्रीन पर, इसे हम चार्ट कहते हैं कि ये हमारा चार्ट है। फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस को आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो, ड्रॉ कर देते हो, तो वहां पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बन जाती है। तो यहां पर एक चार्ट पैटर्न बन गई है। इस चार्ट पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न।
तो जब आप अपने चार्ट पर ऊपर नीचे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हो या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो वहां पर वो चार्ट आपका एक पैटर्न के अंदर आ जाता है, उसी को कहते हैं चार्ट पैटर्न। और ये कौन सी चार्ट पैटर्न होती है, उसके नाम हमें समझने होते हैं, उसके नाम हमें याद रखने होते हैं, वो हमें पता चलता है मार्केट में वहां पर बैक टेस्टिंग करके, उनके नाम को हमें कैसे याद रखना है, क्या उसका काम होता है। और इसी तरीके से काफी सारी चार्ट पैटर्न होती है अलग अलग तरीके से, उन सारी चार्ट पैटर्न को हम आने वाले वीडियो की सीरीज में समझेंगे। इन शॉर्ट चार्ट पैटर्न का मतलब यहाँ पर आप ये समझो कि चार्ट पैटर्न मतलब कि चार्ट को लॉक करके रख देना, उसे कमरे में लॉक करके रख देना। जब तक वो चार्ट उस कमरे के अंदर लॉक है, तब तक वहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी वो उस कमरे से बाहर निकलेगा, यानी कि जब भी वो चार्ट पैटर्न से बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट कर या ब्रेक डाउन कर, तब हमें वहां पर ट्रेड करना होता है। जब तक वो चार्ट पैटर्न के अंदर लॉक है, तब तक हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पर ये चार्ट है ना, देखो ये लॉक है, देखो ये इसके बीच में यहाँ पर लॉक हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बंद हो चुका है। अब इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हमारा लॉस होगा। हमें यहाँ पर ट्रेड कब करना है, जब ये अपने इस लॉक के बाहर आएगा, अपने इस बंद कमरे से बाहर आएगा, तब जाके हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। क्योंकि देखो, एक कमरे के अंदर अगर आप बंद हो, आप कहीं भी कैसे भी हाथ पैर मार लो, कहीं भी कुछ भी करो, आप दीवार को धक्का दो, आप दरवाजे को धक्का दो, ऊपर नीचे हो लो, आप उस कमरे से बाहर निकल के कहीं नहीं जा सकते। पर अगर वहां पर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जाए, तो आपको जहां पर जाना है आप वहां से जा सकते हो। यहाँ पर आप निकलने की कोशिश करते हो, यहाँ पर आपको दीवार दिखती है, यहाँ पर आपको दीवार दिखती है, यहाँ पर आपको एक दीवार दिखती है, उससे नीचे आप यहाँ पर आते रहते हो, दीवार को पार करके जा नहीं सकते। यहाँ पर आप आते हो, एक दरवाजा आपको दिख जाता है, यहाँ पर एक दरवाजा आपको दिख जाता है, यहाँ पर एक दरवाजा आपको दिख जाता है, जिसे आप खोल नहीं सकते हो। पर जब भी देखो, यहाँ पर ये दीवार टूटेगी यहाँ पर, या फिर ये दरवाजा यहाँ से ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, फिर आपके पास पूरी दुनिया है, फिर आप कहीं भी जा सकते हो। उसके बाहर निकलने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो, पर जब तक इसके अंदर हो, तब तक क्या होगा, निकलने की कोशिश करोगे ना, फिर से नीचे आ जाओगे, निकलने की कोशिश करोगे ना, फिर से नीचे आ जाओगे। तो इन शॉर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब तक प्राइस एक चार्ट पैटर्न के अंदर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है, तब तक कुछ ना करना ही बेहतर होगा। तब कुछ भी करने जाओगे, मैक्सिमम टाइम लॉस ही होगा। तो उससे अच्छा है चार्ट पैटर्न के बाहर प्राइस को आने दो। यहाँ पर क्या है, प्राइस चार्ट पैटर्न के अंदर फंस के रह जाती है। अब इसी चार्ट में आप देख लो, यहाँ पर आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, यहाँ पर आपके पास ज्यादा स्पेस ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर आपने बाई करके रख लिया, देखो यहाँ से फिर से नीचे आ गया, यहाँ पर बाई किया, देखो ये मूवमेंट नहीं किया, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। किस तरीके से मैनेज करोगे अपने ट्रेड को, तो उससे अच्छा है प्राइस को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलने दो, उसके बाद ही ट्रेड करो। तो ये चार्ट पैटर्न तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हर चार्ट पैटर्न में आपको इसी तरीके से करना है। चार्ट पैटर्न के बाहर प्राइस आती है तभी आपको ट्रेड करना है, और वो ट्रेड कैसे करना है, एसएल, एंट्री, टारगेट, वो सारी चीजें जब हम चार्ट पैटर्न को वन बाय वन समझेंगे, तब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चार्ट पैटर्न एक ऐसी चीज है जो सपोर्ट रेसिस्टेंस की मदद से प्राइस को बंद कर लेती है एक जगह पर, प्राइस को लॉक कर देती है, प्राइस को आगे ही नहीं बढ़ने देती है। और जब भी प्राइस उसे तोड़ के बाहर निकलता है, तब प्राइस बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता है। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न बनती कैसे है, क्यों इसी तरीके से ये फॉर्मेट बना, क्यों इसी लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, क्यों इसी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि देखो, प्राइस यहाँ पर आई ना, यहाँ पर, तब यहाँ पर लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक बार सेलिंग आई थी, तो ये बन चुका है एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से लोगों ने सेलिंग करना देखो स्टार्ट किया था, अगेन प्राइस यहाँ पर गई ना, तो लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ से प्राइस का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही इस लेवल पर प्राइस गई, यहाँ पर सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, प्राइस देखो फिर से नीचे की तरफ यहाँ पर आ गई। फिर से प्राइस ने उठना शुरू किया ना, तो प्राइस यहीं तक जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेलर्स बैठे थे ना, वो कुछ ज्यादा ही हावी हो चुके थे। इन सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक तो आने ही नहीं दिया, यहाँ पर बीच से ही वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से प्राइस नीचे आती है, फिर से यहाँ से ऊपर जाती है, फिर से देखो अपने पुराने लेवल तक नहीं आ पाई, फिर से नीचे से ही सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, फिर से देखो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर देखो, इस लेवल से यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, इस लेवल से वो सेलिंग कर रहे हैं,
है, वो लगातार ऊपर से प्राइस को नीचे की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेलर्स हावी हो चुके हैं। अब जब भी देखो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, जब भी देखो बायर्स इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकाल देंगे प्राइस को, मतलब कि सेलर्स अब कहाँ आ चुके हैं, देखो सेलर्स यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब भी देखो बायर्स इस लेवल के ऊपर प्राइस को लेकर जाएंगे, मतलब कि बायर्स हावी हो चुके हैं सेलर्स पर, बायर्स स्ट्रोंग हो चुके हैं सेलर्स की कंपेयर में, फिर सेलर्स क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग करके या लॉस बुकिंग करके अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे और बायर वहां पर हावी हो जाएंगे और बायर यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे। पर जब तक प्राइस इस पैटर्न में है ना, यहां से सेलर्स पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि इसको प्राइस को इस पैटर्न के बाहर ना जाने दिया जाए, जितना हो सके पैटर्न के अंदर ही रखा जाए। जब तक देखो ये इस लेवल को टच करेगी, इसे यहां से गिराने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि सेलर्स देखो यहाँ से धीरे 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 नीचे की लेवल पर आते जाते हैं और यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। और जैसे ही देखो सेलर्स इस तरीके से सेलिंग करते हैं, मतलब कि पहले देखो इस लेवल से सेलिंग की, फिर इस लेवल से सेलिंग की, हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं तो हम इस दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। फिर ये ट्रेंड लाइन हमारे पास होती है ये देखने के लिए कि अब की बार प्राइस कहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो देखो अब की बार प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकती है, अगर रिवर्स करेगी फिर से यहाँ तक आएगी, अगर रिवर्स नहीं की, ये ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो मतलब पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब प्राइस अच्छे से मूवमेंट कर सकती है आगे की तरफ, तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये तो हुई ऊपर की बात, अब नीचे की तरफ क्या है, देखो यहाँ पर जब प्राइस आई ना तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके थे, ये है हमारा एक सपोर्ट जोन। तो देखो यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए, फिर से सेम लेवल पर आई, फिर से यहाँ पर बायर्स बैठे थे क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन चुका था। यहाँ से बायर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, यहाँ से बायर्स प्राइस को नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहे, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर से सेम लेवल से देखो यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ जाने दिया, फिर से सेलर्स ने नीचे भेजा, फिर से बायर्स यहाँ पर आ गए, फिर से ऊपर भेजा। अब देखो फिर यहाँ पर इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर भी चांसेस है कि फिर से बायर्स इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ भेज देंगे, बट अगर देखो ये लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो मतलब कि बायर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं इस सपोर्ट जोन से, फिर ये देखो इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के और नीचे की तरफ जा सकती है। जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाएगी, वो नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो देखो चार्ट पैटर्न में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। ऊपर के लेवल पर जब प्राइस जाती है तो वहां से सेलर्स उसे नीचे भेज देते हैं, नीचे के लेवल पर जब प्राइस आती है तो वहां से बायर्स उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। जैसे कि यहां से देखो सेलर्स इसे नीचे भेज रहे, इससे नीचे भेज रहे, यहां से नीचे भेज रहे, इस सेम लेवल से बायर्स उसे ऊपर की तरफ भेज रहे। जब तक ये दोनों लड़ते रहेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा, प्राइस साइडवेज ही रहेगी, इस पैटर्न के अंदर फंस के रहेगी। इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को या कोई भी चार्ट पैटर्न को एडवांस में ट्रेड नहीं करना है। पर देखो अगर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, मतलब कि बायर्स जीत गए, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ गई, मतलब कि सेलर्स जीत गए, नीचे की तरफ आई है हम सेल करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगी हम बाय करेंगे। तो अगर बायर्स जीत गए हम बायर्स के साथ चले जाएंगे, सेलर्स जीत गए हम सेलर्स के साथ चले जाएंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ हम इन दोनों की फाइट देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बिना वजह इन दोनों की फाइट के बीच में हमें जाके लॉस नहीं करना है, जो भी जीतेगा उसके साथ साथ हम चले जाएंगे। हमें यहाँ पर मार्केट में यही करना होता है, बायर्स और सेलर्स को लड़ने दो, एक पैटर्न के अंदर उन दोनों को लड़ने दो, जो जीता उसके साथ उसी डायरेक्शन में जाके ट्रेड करो। इस नियम को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में अपना लो, कुछ भी एडवांस में मत करो। एडवांस में जाके ये नहीं करो कि मुझे लगता है बायर्स जीत जाएगा चलो बाय कर लो, मुझे लगता है सेलर्स जीत जाएगा चलो सेल कर दो। चुपचाप वहां पर खड़े होकर देखो, जो जीत जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि बायर्स जीत चुके हैं, प्राइस को ले जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जाके ट्रेड करो। इस तरीके से ट्रेड करोगे तो अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। एडवांस में अगर अंतर्यामी बनोगे, मुझे लगता है बायर्स जीतेगा, मुझे लगता है सेलर्स जीतेगा, तो हर बार यहाँ पर मार खा के आओगे, मतलब कि लॉस करके आओगे। चलो तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि चार्ट पैटर्न क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्यों बनती है, किस तरीके से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यही बायर सेलर्स की लड़ाई, और वहां पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देना है, इस तरीके से चार्ट पैटर्न बन जाती है। अब सारी चार्ट पैटर्न इस तरीके से सेम तरीके से नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कितनी सारी चार्ट पैटर्न है, तो वो सारी चार्ट पैटर्न कैसे बनती है वो इसी वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर एक एक चार्ट पैटर्न को हम डिटेल में समझेंगे। अब यहां पर हम चार्ट पैटर्न के टाइप्स को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। चार्ट पैटर्न के जो तीन टाइप है उसे समझ लेते हैं, और इन तीनों के जो नाम है वो यही नाम क्यों दिए गए हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चार्ट पैटर्न आती है और उनका क्या काम होता है, उन चीजों को अब समझते हैं। तो देखिए चार्ट पैटर्न के मेन तीन टाइप्स होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न।
ये जो तीन टाइप है, अब आप कहोगे कि मैंने तो काफी सारे चार्ट पैटर्न सुने हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, पेनन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बियरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग। तो ये सारी जो चार्ट है वो इन्हीं के अंदर आती है, यानी कि ये सारी चार्ट पैटर्न है वो इनके अंदर आती है, इन तीनों के अंदर से ही वो निकलती है। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इन चार्ट पैटर्न के अंदर कौन कौन सी चार्ट पैटर्न होती है और इन चार्ट पैटर्न का यही नाम क्यों है और इनका क्या काम होता है। और अगर ये सारी चार्ट पैटर्न को आपको देखना है तो आप कहाँ पर देख सकते हो? आप यूट्यूब पर सर्च करोगे फिर भी आपको मिल जाएगी, आप गूगल में सर्च करोगे इन सारे चार्ट पैटर्न के नाम लिखकर, या फिर मतलब कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो सारी चार्ट पैटर्न आपके सामने आ जाएगी। या फिर मेरे पास इन सारी चार्ट पैटर्न की और कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सारी ही कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न नाम के साथ मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चार्ट पैटर्न होती है, कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला टाइप है उसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले तो हम रिवर्सल का मतलब समझते हैं कि इसका नाम रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैसे है। रिवर्सल का मतलब होता है चेंज हो जाना, यानी कि बदल जाना। तो देखिए मार्केट देखिए किस तरीके से है, तो देखिए मार्केट देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखो जा रहा है, यहाँ पर इस लेवल पर आया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डबल टॉप पैटर्न बनाकर देखो इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ देखो यहाँ पर आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पर क्या था, ऊपर की तरफ था। देखो इस चीज को बिल्कुल समझना, क्योंकि इसका नाम अगर आपको क्लियर होगा तो पैटर्न को समझने में इजी रहेगा। देखो ये क्या था, ये अप ट्रेंड था, यहां से क्या हुआ, ये चेंज हो गया, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब यहां पर ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज हुआ है, इस पैटर्न से, इस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। देखो यहां पर ये डबल टॉप है, ये रही इसकी नेक लाइन, यानी कि इसका सपोर्ट, जैसे ही सपोर्ट यहां पर ब्रेक हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आने लगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया, यानी कि ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया। इसीलिए इस पैटर्न को रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। अब इसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो इसके अंदर जितने भी पैटर्न आते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ट्रेंड को चेंज कर देना। अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड बना देना, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड बना देना। अब उसी तरीके से अगर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बन जाती है जिसे कि हम कहते हैं डब्लू पैटर्न, यानी कि यहाँ पर देखो ये डबल बॉटम पैटर्न होती है। देखो ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, यहाँ पर इसकी नेक लाइन, यहाँ पर ये रिटेस्ट करके जब इस तरीके से देखो निकलती है ना, तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पर बीच में ये पैटर्न बनी, इस पैटर्न ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बना दिया, क्योंकि इस पैटर्न का नाम ही है रिवर्सल पैटर्न। तो इसके अंदर की सारी पैटर्न का काम है ट्रेंड को रिवर्स कर देना। तो ये हो गई रिवर्सल पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो अप ट्रेंड में ही बनेगी या सिर्फ वो डाउन ट्रेंड में ही बनेगी, वो अप ट्रेंड में भी बन सकती है, वो डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है। तो ये हो गई हमारी रिवर्सल पैटर्न। अब हम समझते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब होता है। तो देखो इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है, इस पैटर्न का नाम क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो इसके अंदर जो भी पैटर्न आएगी उनका क्या काम होगा, ट्रेंड को कंटिन्यू रखना, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू रखना, यानी कि उसी ट्रेंड को चलने देना। तो जैसे कि देखो यहाँ पर देखो अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, फिर एक लेवल पर क्या होगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, फिर देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनाएगा, फिर इस फ्लैग पैटर्न का इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। तो देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, एक इसने कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाई, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ ही जाने लगी। अभी हमने रिवर्सल में क्या सीखा था कि यहाँ पर टॉप पर आने के बाद वो नीचे आ जाती थी, क्योंकि वो रिवर्सल पैटर्न थे। पर ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब कि जो भी ट्रेंड पहले चल रहा है, पहले उसे चेंज कर देना, उसका ऑपोजिट कर देना, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कर देना। पर कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो भी पहले का प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू रखना। तो अगर ये चार्ट पैटर्न हमें आती है और देखो मान लो इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पर हमारी नजर पड़ी, यहाँ पर हमने कोई कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देख ली, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यू पैटर्न बनी है। सेम उसी तरीके से देखो अगर कि इस तरीके से देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर देखो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाती है,
जैसे कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाती है जो कि है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। देखो ये कुछ इस तरीके से बनती है, यानी कि उल्टा कप। अब देखो जब भी ये पैटर्न यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बनी, ये है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। प्रीवियस ट्रेंड क्या है? प्रीवियस ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो जब भी ये पैटर्न ब्रेक डाउन करेगी तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू नीचे की तरफ रह सकता है, क्योंकि इस पैटर्न का काम ही है जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये देखो कंटिन्यू कर रही है अपने डाउन ट्रेंड को। तो हम ऐसा कोई डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, हमें कोई ऐसी पैटर्न मिल गई, फिर हम देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, तो यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं। तो चलो अब हमारी जो तीसरी और आखिरी चार्ट पैटर्न है वो है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले तो नाम का मतलब ही समझो, न्यूट्रल मतलब कि क्या? जिसका कोई भी कुछ भी अपना डिसीजन नहीं है, जो अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखता है, वो न्यूट्रल है। जो भी कुछ होगा उसमें वो न्यूट्रल है, ना उसकी हाँ है ना उसकी ना है। तो ये जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होती है ना, उसका काम क्या होता है? जहां पर भी ब्रेकआउट होता है, जहां पर भी ब्रेकडाउन होता है, उस तरफ चले जाना। न्यूट्रल पैटर्न मतलब कि अभी के लिए तो आप ये समझ लो कि जिसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न भी आ जाती है और रिवर्सल पैटर्न भी आ जाती है, यानी कि न्यूट्रल पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन का भी काम करती है और रिवर्सल का भी काम करती है। मतलब कि न्यूट्रल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों का कॉम्बो है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैटर्न कंटिन्यूएशन में और रिवर्सल में आती है वो सेम पैटर्न यहाँ पर आती है। यहाँ पर पैटर्न अलग होती है, पर पैटर्न का काम होता है रिवर्सल और कंटिन्यू करना ट्रेंड को। वो कैसे? वो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि और अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक चार्ट पैटर्न है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इस चार्ट पैटर्न को कहा जाता है पेनेंट। हम इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं, इसे पेनेंट भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर क्या था? प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड था कुछ इस तरीके से। तो अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनी है, तो अब इस पैटर्न का क्या काम है वो कब पता चलेगा? जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये न्यूट्रल है, ये कुछ भी कर सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है, ये नीचे भी जा सकती है। प्राइस देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखो घूम रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे से सपोर्ट ले रही है। अब देखो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई ना, तो इसे हम मानेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यहाँ पर ये क्या कर सकती है? ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर सकती है, या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी कर सकती है, क्योंकि ये न्यूट्रल होती है। इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता कि ये सेम डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न में क्या था? ये रिवर्सल पैटर्न बन गई तो हमें पता होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या था? यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन गई तो हमें पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ये प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। तो पर न्यूट्रल पैटर्न जब बनती है ना, तो हमें पता नहीं होता कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स होगा, क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू भी रख सकती है और उसे रिवर्स भी कर सकती है। वो हमें कब पता चलता है? वो हमें पता चलता है पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद। पर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पहले ही पता लग सकता है कि किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसने अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो ये ट्रेन को ऊपर की तरफ ले जाएगी, इसने अगर नीचे ब्रेकडाउन किया तो ये ट्रेन को यहां से नीचे की तरफ ले जाएगी, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट किया तो ये प्रीवियस ट्रेन को कंटिन्यू रखेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस न्यूट्रल पैटर्न ने कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम किया है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो प्रीवियस ट्रेन था अप ट्रेन, तो इसने अप ट्रेन को चेंज करके डाउन ट्रेन बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसने रिवर्सल पैटर्न का काम किया है, इसीलिए ये न्यूट्रल पैटर्न है। तो न्यूट्रल पैटर्न में कुछ भी हो सकता है। और अगर ये डाउन ट्रेन में देखो बन गई, देखो कुछ इस तरीके से अगर ये डाउन ट्रेन में बन गई, प्रीवियस ट्रेंड क्या था? इस तरीके से डाउन ट्रेंड था और प्राइस इसके बीच में ये इस तरीके से फंस गई थी। अगर ये ऊपर गया तो हम कहेंगे कि ये रिवर्सल का काम किया, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो हम कहेंगे कि इसने कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम किया। तो दोस्तों ये थी चार्ट पैटर्न। इस वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न के बेसिक को क्लियर किया, चार्ट पैटर्न कैसे बनती है वो देखा, चार्ट पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं वो देखा, और इन चार्ट पैटर्न का क्या काम होता है, कब बनती है, उसके बाद ये क्या करती है, वो सब कुछ देखा। तो जो जो जरूरी चीजें थी चार्ट पैटर्न के रिलेटेड, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अब आने वाले एपिसोड में सारी ही चार्ट पैटर्न को वन बाय वन डिटेल में सही से समझते जाएंगे। आप ये पूरी सीरीज देखोगे तो आप बिल्कुल ही चार्ट पैटर्न में मास्टर हो जाओगे। फिर आपको जो भी करना है वो है प्रैक्टिस, लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी है, और इन चार्ट पैटर्न के नाम कैसे याद रखने हैं उसका भी इजी तरीका हम देखेंगे। तो इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न से। सबसे पहले सारी रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को समझेंगे, और आखिर में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को समझेंगे। तो अब हम मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जहां पर हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न से शुरुआत करेंगे।